सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टबर्ड। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आपको टेस्ट तो गन्ने का आएगा, बट आपको गन्ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स शुगर केन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, 1 कप वाटर, देन हाफ क्वांटिटी का गुड़, उसको मैंने क्रश कर लिया है, पाउडर गुड़ भी ले सकते हैं। अदरक लिया है, 10-15 पत्ते मैंने मिंट के लिए हैं। वन बाय वन मैं सब आइटम ब्लेंडर में डाल दूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप गन्ने का जूस मिस कर रहे हैं और आपके पास गन्ना है नहीं, और तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल गन्ने के जूस जैसा ही लगता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सब चीज़ें वन बाय वन ब्लेंडर में ऐड कर दी हैं। अगर आपको गन्ने के जूस जैसा टेस्ट चाहिए तो आपको ये सब आइटम ऐड करने ही होंगे, और ये आइटम बहुत कॉमन है, हर किचन में मिल जाते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। अब मेरा ये बहुत अच्छे से देखिए कितना झाग आया है, जैसे कि गन्ने के जूस में एक्चुअली झाग आता है। और अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी छलनी की हेल्प से। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी होता है, अगर आप इसको पियेंगे ना तो आपका मन करेगा कि मैं रोज़ बना के पीऊँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रहता है। देखिए, अगर आप आइस क्यूब लेते हैं जूस वगैरह में तो आप वो ऐड कर सकते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ आइस क्यूब, तो मैंने नहीं ऐड किया है। तो देखिए, अच्छे से इसको छान लीजिए। आप इसको बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाएगी, आप सोचेंगे कि आज तो अब तो घर में ही बनाना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में बार बार मार्केट जाना भी नहीं होता है, हर चीज़ मिलती भी नहीं है। तो इस तरीके से आप गन्ने के जूस का मज़ा घर पे ही लीजिए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा और कोई आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक सॉल्ट जितना चलता है, जितना टेस्ट आपका बनता है ब्लैक सॉल्ट डालने का, आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको बस अपनी सर्विंग ग्लास में ट्रांसफ़र कर लूँगी कुछ इस तरीके से। पहले मैं उसको वॉश कर लेती हूँ एक बार, और वॉश करने के बाद अच्छे से वैसे मैं सर्व कर देती हूँ। आपको रेशियो हर चीज़ का इतना ही रखना है कि आपने हाफ कप अगर जैगरी लिया है तो उसका डबल क्वांटिटी में वाटर ऐड करना है। तो देखिए, आपका शुगर केन का जूस एकदम विद इन अ 2-3 मिनट रेडी है। प्लीज़ इस तरीके से गन्ने का जूस घर पे ही निकालिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप इसको अच्छा टेस्ट और देने के लिए आप आइस क्यूब ज़रूर ऐड करिएगा। मैं नहीं यूज़ करती तो मैंने नहीं डाला है। तो चलिए, नेक्स्ट रेसिपी तक बाय। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मैं आपके सामने और अमेजिंग रेसिपी लाती रहूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।